हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल इम्प्रूव योर नॉलेज में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं सिजवान मैगी मसाला की रेसिपी लेकर आई हूँ। इसे बनाना बहुत ही आसान है, इसे हम बिल्कुल स्ट्रीट फूड के जैसे बना के दिखाएंगे। इसे बच्चे बड़े सभी पसंद करते हैं, तो इस रेसिपी को आप भी जरूर ट्राई कीजिए और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना मत भूलिए। तो चलिए हम इसे बनाना शुरू करते हैं। मैगी बनाने के लिए हमने सबसे पहले गैस पे कढ़ाई रख लिया है, गैस को ऑन कर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे एक बड़ा चम्मच तेल। तेल की जगह पे आप बटर भी ले सकते हैं। तेल को हम अच्छे से गर्म होने देंगे। तेल अच्छे से गर्म हो चुका है, अब हम इसमें डालेंगे प्याज। प्याज को हमने छोटे छोटे टुकड़े में काट लिया है। तो हम यहाँ पे तीन पैकेट मैगी बनाएंगे, तो तीन मीडियम साइज प्याज को हमने चॉप किया है। प्याज को हम सॉफ्ट होने तक तेल में भूनेंगे। प्याज को सॉफ्ट होने तक भूनेंगे, यानी कि 2 से 3 मिनट में प्याज अपना सॉफ्ट हो जाता है। प्याज आप देख सकते हैं हल्का सा सॉफ्ट हो चुका है, यानी कि गुलाबी दिख ही रहा है। अब हम इस स्टेज पे डालेंगे 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, जिसे हमने दरदरा कूट लिया है। इसे भी हम प्याज के साथ 1 मिनट तक भूनेंगे। प्याज के साथ हमने लहसुन को 1 मिनट तक भून लिया। अब हम इसमें हरी मिर्च डालेंगे। तो यहाँ पे हमने 2 छोटे हरी मिर्च को छोटे छोटे पीसेस में काट रखा है। आप अपने तीखा के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। मिर्च को भी हम प्याज लहसुन के साथ थोड़ा सा भून लेंगे। हमने मिर्च को भी भून लिया है। अब हम यहाँ पे टमाटर डालेंगे। तो हमने छोटे छोटे 3 टमाटर को छोटे छोटे पीसेस में काट रखा है, इसे भी हम प्याज में भूनेंगे। तो टमाटर सॉफ्ट होने तक हम इसे प्याज के साथ भूनेंगे। टमाटर जल्दी सॉफ्ट हो जाए इसके लिए हम साथ ही साथ सॉल्ट डालेंगे, यानी कि नमक। चलिए हम नमक डाल लेते हैं। तो यहाँ पे हम स्वाद के अनुसार नमक डाल लेंगे। साथ में हम डालेंगे 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर। 1 चम्मच हम यहाँ पे लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। तो आप अपने स्वाद के अनुसार मिर्च भी डालिए। ज्यादा तीखा है तो बढ़ा दीजिए, कम तो कम कर लीजिए। 1 चम्मच हम धनिया पाउडर डाल रहे हैं। इन सारे इंग्रेडिएंट्स को हम टमाटर के साथ 2 से 3 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे भून लेंगे। आप देख सकते हैं टमाटर को हमने सॉफ्ट होने तक भून लिया है। मसाला भून चुका है, प्याज भून चुका है। तो यहाँ पे हम 3 पैकेट मैगी बनाएंगे, तो इसके लिए हमें इसमें 6 कप पानी डालना होता है। तो हम मसाले में पानी डालेंगे और तो यहाँ पे हमने पानी ऐड कर लिया। अब हम पानी में अच्छे से उबाल आने देंगे, फिर आपको बता रहे हैं। आप देख सकते हैं पानी में अच्छे से उबाल आ चुका है। अब हम इस स्टेज पे मैगी डालेंगे। तो यहाँ पे हम 3 मैगी लिए हैं, जिसको हम ऐसे 2-2 टुकड़े में करके छोड़ देंगे। मैगी को हम थोड़ा स्पैचुला से ऐसे दबा के पानी में भिंगा लेंगे। अगर चौड़ी पेंदी की कढ़ाई हो तो ये ऐसे भी डूब जाता है। अब हम इसके ऊपर डालेंगे मैगी मेकर, यानी कि जो मैगी के साथ मसाला आता है उसे हम इसी में डाल देंगे। तो हम यहाँ पे 3 पैकेट मैगी लिए हैं, तो 3 पैकेट मसाला भी डाल दे रहे हैं। फिर से हम स्पैचुला से मसाला को मैगी के साथ मिक्स करेंगे। से हम मसाला को मिक्स कर देंगे। अब हम कवर करके मैगी को 2 मिनट तक
मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे। तो हम कवर से इसे कवर करके 2 मिनट तक पकने देंगे। 2 मिनट हो चुका है, चलिए हम मैगी को चेक कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट मैगी ने पानी को अब्जॉर्ब कर लिया है। अब हम एक बार इसे मिक्स कर लेंगे। तो जैसा कि हमने बोला था, आज हम सेजवान मैगी बनाएंगे, तो इसमें हम डालेंगे सेजवान सॉस। तो यहाँ पे हम चम्मच भर भर के सेजवान सॉस डालेंगे, यानी कि 3 पैकेट मैगी के लिए 3 चम्मच हम सेजवान सॉस यूज कर रहे हैं। इसमें चटपटी खानी है तो आप 1/8 चम्मच बढ़ा घटा सकते हैं, इससे बहुत टेस्टी लगता है ये। सबसे लास्ट में हम डालेंगे इसके ऊपर धनिया पत्ता, जिसे हमने बारीक बारीक काट के रखा है। अब इन सारे इंग्रेडिएंट्स को हम एक बार अच्छे से मिक्स करेंगे। तो हमने धनिया पत्ता से सेजवान सॉस अच्छे से मिक्स कर लिया है। आप देख सकते हैं अपनी मैगी कितनी सुंदर बनी है, एकदम न ज्यादा पानी है न ज्यादा कम है, ऐसी ही मैगी होनी चाहिए। अब हम फ्लेम को ऑफ कर लेंगे और मैगी को 1 मिनट तक कवर करके छोड़ देंगे, फिर इसकी प्लेटिंग करके आपको दिखाएंगे। 1 मिनट हो चुका है, चलिए हम प्लेटिंग कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया आपकी मैगी तैयार हुई है। तो चलिए हम इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। इसे हम इसकी प्लेटिंग करेंगे। आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया ये सेजवान मैगी तैयार हुआ है। तो फ्रेंड्स, आपने देख लिया सेजवान मैगी बनाना कितना आसान है। तो इस रेसिपी को आप भी जरूर ट्राई कीजिए और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए।